as well. Saturday is again here, it's a weekend time, and again I'm trying to make a video, and of course hopefully the video will be an interesting one. I don't say as always, because it is you who are going to decide that whether it is interesting or not. I have always this camera kind of issues. You know that you can't just stuck your gadget there, otherwise you are unable to move it. I try to find out some new gadget so that I can पाकिस्तानी फौज आईएसआई के खिलाफ होती हैं,
सेट जो है वो बन रहे हैं और वो हमें उस तरह से देखते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जामिया दख्तर, वो तो पढ़े लिखे और बहुत ही आलिम आदमी इंटेलेक्चुअल हैं उनमें, और मैं आम लोगों की बात करी हुई यहाँ पे कि उनमें ये है. दैट वॉज मैं वहीं थी हॉल में जब ये उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया. ये बहुत ही आप कह लें कि ब्लो द वेल्ट किस्म का जवाब था. हालांकि नीलम अहमद बशीर जो ने ये क्वेश्चन किया था वो खुद जो है वो एक राइटर हैं और पब्लिश्ड राइटर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने सवाल किया था. ये फैक्ट है, मुझे खुद भी बहुत फील होता है कि हमारे जिस तरह की फीलिंग्स हैं अक्सरियत की इंडिया में ऐसे नहीं है. लोगों की अच्छी ठीक है, अच्छे लोग हैं, हमसे अच्छा भी इजहार करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत हैं. क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि वो किस किस तरह के जवाब देते हैं हमारे लोगों को और क्या क्या बात करते हैं, तो काफ़ी एक बायस्ड एटीट्यूड भी जो है वो उनका शो होता है, जो कि पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा नहीं है. वो कोई वाली बात है कि हम हमेशा से हमारे घर में एक डिस्कशन होती थी कि हम उनसे अनकॉन्शियसली नफरत करते हैं और वो हमसे कॉन्शियसली करते हैं. तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है हम में और उनके दरमियान. तो अब ये वो बात है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मुंबई के बाद उनको याद है तो पाकिस्तान में भी एक जहाज़ आया था ठीक है ना, और वो हम लोगों ने पकड़ लिया था. तो ये मत कहे इंडिया के वो कुछ नहीं करता और उनकी कोई है, तो ये म्यूचुअल चल रहा है. ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और इंडिया का जो एक जुनून है कि वो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है और उसके लिए उसको पहले अपने इलाके की एक पावर बनना होगा और इलाके के वो दूसरे मुल्कों को दबाने की कोशिश करता रहता है. तो वो एक फैक्ट है और तो ये उनको भी मानना चाहिए, जो कि वो नहीं मानते. उनको ये भी पता है कि अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे तो उनका इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे लोग मैंने कायदे आज़म को भी गालियाँ निकालते देखे हैं, तो उनको कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं निकालता. तो ये जावेद अख्तर साहब को भी पता है कि शाहरुख जैसे शख्स को, सलमान खान जैसे शख्स को जो है वो कैसे अपने आप को जो है वो क्लियर करवाना पड़ता है और कैसे मुसलमान एक्टर्स और सिंगर्स और लोगों को मुंबई में किराए पे तक पे घर नहीं मिलता. तो वो हमें ना ही मुँह खुलवाएँ तो बेहतर है. तो बहुत कुछ है और जिस तरह से ये हिंदुत्व का एक हुआ है, राइज हुआ है मोदी के टाइम में, और तो वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है. एनीवेज हमारी गलतियाँ भी कम नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी गलतियों पे बात नहीं करूँगी. आज मुझे थोड़ा सा जावेद अख्तर साहब के लिए मेरे पास कुछ सब है, कुछ बात है. अच्छा जी, आज का जो है वो लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल है. ये जो है ये भी काफ़ी पुराना है, ये 10th उसका एडिशन है और लाहौर इसको होस्ट करता है. ये एक एलिटिस्ट फेस्टिवल समझा जाता है क्योंकि 90% टॉक इसके अंदर इंग्लिश में होती है. तो डेफिनेटली ऐसे ही लोग आते हैं कि जो जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है. लेकिन आप देखते हैं कि इस दफ़ा जैसे कि मैंने आपको पिछले में भी बताया कि पैटर्न्स बहुत ही मुख्तलिफ हैं और लोग चूँकि सोशल मीडिया की वजह से ऐसे ही अपना टाइम पास करने भी बहुत से लोग आ जाते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि देखिए जी मैं वहाँ गया था. जैसे बहुत से लोग किताबें नहीं पढ़ते लेकिन वो चंद किताबों के नाम मशहूर के रट के और ये वो लोगों के ऊपर रोक जमाते हैं. तो इस किस्म वाली क्लास भी बहुत आना शुरू हो गई है अब इन फेस्टिवल्स पे. और चूँकि पहले तो ये आवारी और इधर उधर होते थे, अब ये पिछले कुछ अर्से से अलहमरा आर्ट सेंटर में होने लग रहे हैं. तो वो भी एक पब्लिक, ज़्यादा पब्लिक प्लेस है एज़ कम्पेयर टू आवारी या आप कह लें कि फ्लैटीज के. तो वो जो है आप कह लें कि वो आपको डिफरेंस देखूँगी मैं अब जाके कि आज कैसी गैदरिंग है वहाँ पे. और एज़ यूजुअल जो सैटरडे है वो मेरा काफ़ी स्लो होता है, आज भी स्लो था और मैं घर से देर से निकली हूँ. हालांकि दो तीन सेशन सुबह के में भी थे जो कि दैट वाज वेरी गुड और जो कि मैं ले सकती थी लेकिन वो मैं नहीं ले सकी, मतलब मेरे इंटरेस्ट के थे. लेकिन मैंने ना अपने आप को इन चीज़ों के ऊपर ज़रा पुश करना छोड़ दिया है. मैं समझती हूँ कि पूरा हफ्ता भी इतना काम करके कि जिस तरह बिल्कुल थक चुका होता है, और मैं अगर वीकेंड पे भी अपने आप को पुश करूँ तो मैं शायद चल नहीं सकती. तो मैंने अब अपने आप को थोड़ा सा वीकेंड पे पुश करना कम किया हुआ है, उससे काम तो नहीं ख़त्म होता.
हफ्ते, लेकिन ये है कि मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि बस ये दो चार काम हर दफ़ा हर हफ्ते कर ली, अगर मैंने कर ली है तो आई एम गुड टू गो, ठीक है। तो वो मैंने ये कर लिया है, मैंने इस मामले में भी कर लिया है कि चले जी दो तीन सेशन ही अटेंड हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। तो होपफुली मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है शहद खाकान अब्बासी साहब के सेशन में, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक पाकिस्तान की कंडीशन किस तरफ जा रही है, क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा कंसर्न ही वो है, और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है और हमें क्या रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, और हमें क्या कोई रिलीफ मिल भी सकेगा या नहीं मिल सकेगा, या हमें ये तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे अगले दो साल बहुत 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 मुश्किल हैं, रिसेशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वी वॉन्ट टू नो, आप ये तो एक फैक्ट है ना, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू नो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है। जो शहबाज शरीफ साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया है, मेरा ख्याल है कि वो नाकाफ़ी है, वो ठीक है, इट्स अ राइट स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप। मैं आपको बताऊँ कि हम सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री। तो जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को कंट्रोल में लाएंगे, उस दिन मैं समझूंगी कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ रही है, क्योंकि जो उनके पर्क्स हैं, जो वो पैसा उजाड़ते हैं आम वर्ड्स में, वो कोई भी नहीं उजाड़ता है, वो आपके पॉलिटिशियंस नहीं उजाड़ते वो उतना पैसा। तो ये है कि वो हमें देखना है क्या, क्योंकि करना तो उन्हें कंट्रोल हुकूमत नहीं है ना, हमने तो नहीं आके करना, तो वो उसको कैसे डील करते हैं, वो उनके ऊपर कट्स लगाते हैं कि नहीं। और जितना को मैं पढ़ रही हूँ डिफरेंट आर्टिकल्स, उससे यही पता चल रहा है कि IMF के साथ भी इनकी बातचीत इसी बात पे रुकी हुई है कि उनके एक्सपेंडिचर पे आप कट लगाएं। लेट्स सी, क्योंकि कोई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इतनी बहादुर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और कमज़ोर भी है, क्योंकि इट्स यू कैन से मिक्स गवर्नमेंट के देयर आर सो मेनी पार्टीज इन दिस गवर्नमेंट। तो और वो वैसे भी जो है कोर्ट्स भी इस हुकूमत को स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं, तो लेट्स सी अगर ये कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। बाकी ये है कि जो कोर्ट्स में चल रहा है वो आप लोगों के सामने है, उस पर फिर अपनी किसी अगली निश्चित में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान कुन है बहुत से लेवल्स पे, और बहुत शर्मनाक भी है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि कोर्ट्स ही किसी मुल्क और उसके अवाम का आखिरी सहारा होते हैं, उनको बहुत फेयर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे हमारे कोर्ट्स जो हैं वो सवाए इंसाफ करने के और हर काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आपको पता होगा कि मज़ाहर अली नकवी साहब की वीडियोस आई हैं, और एजाज़ुल अहसन साहब और उनके ऊपर कितना शोर डल रहा है अपोजिशन जो कि और आप हुकूमत में है उनकी तरफ से। तो लेट्स सी क्या होता है, बहुत परेशान कुन हालात हैं पॉलिटिकली भी, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आएगी। तो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। और मैं अभी भी और बात कर सकती थी, क्योंकि अभी हमारा आर्ट सेंटर नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कुछ रोड जैसे आपको पता है कि बड़ी बम्पी हो जाती है, जब तक मैं कैनाल पे रहती हूँ तब तक तो ईजी रहता है, लेकिन यहाँ से ना रोड बहुत बम्पी हो जाती है, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा वीडियो बनाना। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक और इन बिटवीन द वीक्स इफ़ आई एम एबल टू मेक अ वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे पॉजिटिव, प्रे फॉर पाकिस्तान एंड